नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह जी हूं 24 लाइव से। आज पहुंचा हूं पतौली क्षेत्र जानसठ में। उपचुनाव जोरों पर हैं, दोनों प्रत्याशी अपने पूरे प्रचार में जुटे हुए थे और कल वोटिंग होने वाली है। जानसठ के लोग क्या चाहते हैं, जानसठ का मतदाता क्या चाहता है, राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के प्रत्याशी मदन भैया जी हैं और बीजेपी से हैं राजकुमारी सैनी, जो विक्रम सैनी की धर्मपत्नी है। एक बार और बता देता हूं मैं आपको कि ये सीट विक्रम सैनी को 2 साल की सजा होने के कारण ये रिक्त हुई थी 4 नवंबर में। ये जानते हैं कि अब ये चुनाव जो होने जा रहा है इसके बारे में। जी भाई जी, आपका नाम? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, जो चुनाव होने जा रहा है, ये दोनों प्रत्याशी हैं, कांटे की टक्कर है, ये कैसी है आप बताइए जरा। इस बार जो है इन दोनों में जो टक्कर चल रही है ना, ज़्यादा वोटों से हार जीत नहीं होगी। जिस पहल पहले हुई थी, इस बार ज़्यादा वोटों से हार जीत नहीं होगी। उम्मीद हमें ये लग रही है कि बीजेपी निकल सकती है। जानसठ गए क्या चाहता है अब की बार चुनाव में? जानसठ की जनता इस समय चुप है। अभी ऐसा किसी का कुछ ये नहीं चल रहा कि शांत माहौल है। यहाँ शांत माहौल है, गोपनीय है, बस किसको देनी वोट किसको नहीं देनी अभी कोई सामने नहीं आया। जी। मैं एक सवाल और आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जो पब्लिक बोल रहे हैं कि बीजेपी ने बहुत महंगाई महंगाई महंगाई, ये महंगाई का सवाल है आपके सामने, महंगाई वास्तव में है या बोल ही रहे पब्लिक? वो महंगाई तो है ही, हाँ महंगाई तो किस कारण से है ये नहीं पता, लेकिन महंगाई तो चल ही रही है। जी, आपका नाम भाई जी, आप युवा हैं? फरमान। फरमान भाई जरा बताओ जरा क्या माहौल चल रहा है? बता मैं क्या जी, माहौल तो बेकार ही है वो। अपने गरीब आदमी का चुनावी 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 बात करी चुनावी जी, वो तो किस्मत की बात है, कौन जीतते कौन हारे, हमें तो जो है कि बस वोट डालनी है। अच्छा, जैसे चांसठ का जो है किसे वोट डालना चाहता है? जहाँ भी हमारे बड़े गिरेंगे हम भी वहीं जाके गिर जाएंगे। और सबके साथ है जी। आपका नाम? मैं डॉक्टर समर। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मुद्दा जो चल रहा है पतौली विधानसभा में भारी का, कि भारी आदमी है, दबंग आदमी है मदन भैया, ये कैसा मुद्दा है? ये कोई मुद्दा नहीं हुआ करता है, तो हुआ करता है बहुत। अब वो मतलब बहुत लोग बाहर से आकर के इलेक्शन लड़ते हैं, ये कोई मुद्दा नहीं हुआ करता, आदमी को देखा जाया करता है। सबसे अहम बात यह है कि ये कस्बा बहुत ही शांति प्रिय कस्बा है, यहाँ हिंदू मुसलमान नाम की कोई चीज नहीं होती, एक दूसरे की शर्म करते हैं यहाँ तमाम लोग जी। अब जहाँ तक इसका ताल्लुक रहा कि बाहरी है, तो बाहरी कोई मसला नहीं हुआ करता है। अब बाहरी कोई मसला नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ज्यादातर वोट जो है गठबंधन को जा रहा है, अब आगे उसके भाग्य की बात है। नहीं डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए, जो 2013 में 27 अगस्त 2013 में कवाल कांड हुआ था, उसका असर पब्लिक पर अब भी है या था किसी दौर में? अब कोई ऐसी बात नहीं, अब कतई कोई ऐसी बात नहीं है। और जब 2013 में भी जानसठ के अंदर तो एक पर्द भी किसी परिंदे ने नहीं मारा, जब भी हम लोग मिल बैठते थे हिंदू मुसलमान का, या कोई पता नहीं शादी हिंदुओं की होती है तो मुसलमान उसके अंदर खाना खाने जाते हैं, और जो मुसलमानों में शादी होती है तो हिंदू खाना खाने के लिए जाते हैं, आपस में दोनों कन्यादान करते हैं, ये वो भूल चुके हैं। और वो एक भूल थी बहुत बड़ी भूल थी। बीच में दरार डालने की, जो हमारा कस्बा फिर भी उससे महफूज रहा, हमारे कस्बे ने उस तरफ से ध्यान ही नहीं दिया। हम तो यहाँ एक पूरे परिवार की तरह रहता है, वो हिंदुओं मुसलमानों सिखों ईसाइयों, यहाँ एक परिवार है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। अब रहा सवाल ये कि आपने उनसे मालूम किया था महंगाई का, महंगाई तो चरम पर है, 400 रुपए से सिलेंडर आज 1100 रुपए का है। नहीं वो तो सरकार भी तो फ्री दे रही है राशन, तो फिर ये है कि चोर दरवाजे से हो रहा काम। देखिए राशन में गेहूं चावल ये फ्री है, एक तो फिर आपने एक महीने के अंदर 600 रुपए ले लिए तो वहाँ तो 300 का यार चंद्रपाल भारती। ये बताइए कि जो अब की बार जो आपका जो युवा वर्ग है वोटर है, हाँ किधर कौन सी पार्टी को? हमारा उद्देश्य ये है जी कि बीजेपी ने जो काम करा 1947 से अब चला कांग्रेस नहीं कर पाई, जो बीजेपी ने 5 सालों में 10 सालों में काम किया, कच्चे मकान में लोग बाग रहते थे, कड़ी तलक नहीं डली, आज उसमें लेंटरों में
आज गैस पर रोटी बना रही, जंगलों में लड़की और तेज है ईंधन चुगने के लिए जाती थी, आज गैस फ्री, अनाज फ्री, चावल फ्री, और क्या चाहिए। गैस की कीमत लगभग पता नहीं 800-900 रुपए सिलेंडर है। हाँ, पहले कांग्रेस के टाइम में 365 रुपए का था। सही, बिल्कुल सही। अब महंगाई क्यों है ये? महंगाई तो देख, सुनो, जब गवर्नमेंट हमको ऐड दे रही, पैसा कहाँ से लाएगी गवर्नमेंट, जब हमें राशन फ्री दे रही, मकान फ्री बनवा रही, एक का गैस फ्री दे दिए हमें। शिक्षा के बारे में कुछ जानकारी है आपको? हाँ बताओ। शिक्षा क्या फ्री है? शिक्षा तो बहुत सबसे अहम मुद्दा शिक्षा का है। शिक्षा अगर किसी आदमी के पास हो जाएगी तो उसके पास रोजगार भी होगा, सब चीज फ्री होगी। शिक्षा महंगी है साहब, है ना? शिक्षा महंगी है, मानते हैं आप जी? आप प्रणाम। हाँ जी, बताइए। मोटर का तो हमें पता नहीं, तो जहाँ कोई डाले वहाँ डाल देंगे। कहाँ डालेंगे आप? जहाँ भी हमारा मोहल्ला चलेगा वहाँ चलेगा। हाथी पे नहीं, हाथी पे तो जब चलो, जब हाथी आ रहा हो और किसी को दिखाई नहीं दे रहा, हम कहीं दोगे देवे जाओ तो किसी को लगे, जब मोहल्ला जहाँ भी जाएगा वहाँ चलेगा। जी डॉक्टर साहब, आप बताओ जी, आप बताओ। लोग बहुत ही भ्रमित है जानसठ के, जरा कुछ बताइए क्या करना है? नहीं भ्रमित नहीं, जान सर, तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि ये तो शांति प्रिय कस्बा है, भ्रमित नहीं है। यहाँ तो ये हिसाब है कि अगर किसी हिंदू ने खड़े होकर के कहते भाई लौंडिया का शादी है तो सब लग जाएंगे, ये ऐसा कदम यहाँ भ्रमित नहीं है बिल्कुल भी। आप अच्छा, रही वोट की बात, वोट तो जिसको देना है वो दे देगा, अब जीत हार तो ऊपर वाला जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे तो जाके पार्लियामेंट में बैठना है। ये तो बात सही कह रहे, लेकिन आप ये भी समझिए कि एक वोट की वैल्यू आपको ही, आपके एक वोट की वैल्यू इतनी है कि किसी आदमी को पार्लियामेंट में बैठा देगी। हाँ, है ना? ये जो वोट की वैल्यू है आपके भविष्य को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकती है। प्रत्याशी सही आ गया, भविष्य बनेगा, प्रत्याशी सही नहीं आया तो भविष्य खत्म हो जाएगा। अब प्रत्याशी का सही और गलत जो भी पता लगेगा, जब उसको इस्तेमाल किया जाएगा, भरता जाएगा, क्या पता इससे पहले क्या इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये थे जानसठ की जनता और इनके विचार आपने सुने, बहुत अच्छे विचार थे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र सिंह, जीनो 24।